Good morning, class 5. Welcome to today's maths class. Our today's topic is Women's Minkar Bank. Okay, student, Minkar Bank क्या होता है? What is a Minkar Bank? जो फिशर वुमेन्स होती है, जो मछली पकड़ने वाली जो औरतें होती है, उन्होंने मिलकर एक मछली बैंक बनाया है, जिसको हम क्या कहते हैं? Minkar Bank कहते हैं. Okay? So students, let's see the statement about the Minkar Bank. 20 fisher women have made their own bank. 20 fisher women. 20 fisher women है, मछली पकड़ने वाली औरतें हैं, जिन्होंने अपना बैंक बनाया है. Okay? Each saves ₹25 every month and puts it in the bank. जो फिशर वुमन है, जो कितनी है, 20 फिशर वुमन है, वो हर महीने ₹25 बचाती है और उसको इस बैंक में रखती है. Okay? So let's see the question related to the statement. अब इससे related जो question है बेटा, that is how much money does the group collect each month? How much money? कितने पैसे does the group, ये जो group बना हुआ है, collect each month, हर महीने कितने पैसे collect करता है, जमा करता है. Okay? तो आपके पास given क्या है बेटा? Number of women given है और क्या है? Each woman जितना save करती है वो given है. Okay? तो as you all know, first of all we will write the given points. तो given क्या है हमारे पास? Number of women. कितनी औरतें हैं? ये है 20 fisher woman. तो number of woman कितनी हो गई आपकी? 20. Right? Second, each woman saves. हर वुमन कितना पैसा बचाती है बेटा? ₹25. ओके? ये दोनों चीजें हमको क्वेश्चन में गिवन है. अब हमें निकालना क्या है? द ग्रुप कलेक्ट ईच मंथ, हर महीने ग्रुप कितना कलेक्ट करता है. ओके? जब हमारे पास 20 वुमन गिवन है और वन वुमन कितना बचाती है? वन वुमन सेव करती है ₹25. तो 20 वुमन कितना सेव करेगी? अब आपको पता है बेटा, जब वन का दिया है, ज्यादा का निकालना है, देन वी विल डू द मल्टीप्लाई. सो वी विल मल्टीप्लाई हेयर 20 मल्टीप्लाई विद 25, राइट? आप इसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो बेटा, लेकिन अगर आपको डायरेक्टली सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम है, देन वी विल सॉल्व इट हेयर. इट्स 20 मल्टीप्लाई विद 25, राइट? 5 जीरोज आर 0, 5 टूज आर 10. ओके? वंस प्लेस का खत्म हो गया, टेंस प्लेस का मल्टीप्लाई करेंगे. टू जीरोज आर 0, टू टूज आर 4. नाउ एडिशन, 0, 0 एंड 8, 4 प्लस 1, 5. सो हाउ मच मनी कलेक्ट इन वन मंथ? इट्स 500. ओके क्लास? यस. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द सेम स्टेटमेंट. हाउ मच मनी विल बी कलेक्टेड इन 10 ईयर? ओके? जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वो कह रहा है कि 10 ईयर में कितनी मनी कलेक्ट होगी, 10 साल में कितना पैसा जमा होगा. ओके? सो हेयर इज नथिंग गिवन. इस क्वेश्चन को अगर हम देखें बेटा, तो इसमें गिवन कुछ भी नहीं है, बट वी हैव द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन.
जो पहले वाला क्वेश्चन था हमारा, उससे हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है. व्हाट इज दैट? दैट इज मनी कलेक्ट इन वन मंथ. आपने इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा कि वन मंथ में कितनी मनी कलेक्ट हो रही थी. दैट्स RS 500. ओके, सो वी कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन द बिहाफ ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन. इस छोटी सी जानकारी के आधार पर बेटा हम इस क्वेश्चन को अब सॉल्व कर सकते हैं. ओके, अब हमें पता चल गया कि वन मंथ में 500 जमा होते हैं, तो अब हम 12 मंथ का निकालेंगे. 12 मंथ का क्यों निकालेंगे? क्योंकि 12 मंथ का वन ईयर होता है. ओके, देन यू विल राइट मनी कलेक्ट इन 12 मंथ्स और यू कैन राइट वन ईयर. तो 12 मंथ का कैसे निकलेगा? वन मंथ का आपको पता है ज्यादा का निकालना है. सेम थिंग इज रिपीटिंग हियर. एक ही चीज रिपीट हो रही है. एक का दिया है ज्यादा का निकालना है, वन मंथ का दिया है और 12 का निकालना है. सो वी विल डू हियर 500 मल्टीप्लाई विद 12 इज इक्वल टू, यस, 12 जीरोज आर जीरो, 12 जीरोज आर जीरो एंड 12 फाइव्स आर 60. सो यू कैन राइट हियर 60. यस, दिस इज द मनी कलेक्शन ऑफ वन ईयर. वन ईयर में उनके पास 6000 मनी कलेक्ट होती है. अब मनी कलेक्ट इन 10 ईयर्स, तो 10 ईयर्स में कितनी मनी कलेक्ट होगी बेटा उनके पास? 10 ईयर्स में हमारे पास क्या है दिया हुआ? वन ईयर का. अब सेम थिंग, वन ईयर का दिया है, 10 का निकालना है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे कितना 10 ईयर का, वन ईयर का हमारे पास कितना है? 6000. ओके, 6000 मल्टीप्लाई विद कितने ईयर का निकालना है? 10 ईयर का मल्टीप्लाई विद 10. ओके, व्हेन वी विल मल्टीप्लाई इट, 10 जीरोज आर जीरो, 10 जीरोज आर जीरो, 10 जीरोज आर अगेन जीरो एंड 10 सिक्स आर 60. सो नाउ काउंट इट बेटा, वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000. सो द मनी कलेक्ट इन 10 ईयर इज इक्वल टू 60,000. ओके,